सर ये सवाल इसके लिए पूछा मैंने क्योंकि ये मे भी उसी में अभी तक वर्कआउट कर रहा था लेकिन मुझे जिम से निकाल दिया है अभी 3 दिन पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, दिस इज जीत सलाल। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि इस तरह का सवाल भी बहुत ही आम है, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के सवाल पूछते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ भी है। तो इस तरह का सवाल इवेंट में आया और सुनने में बहुत ही फनी लगता हो लेकिन बहुत ही वाजिब सवाल है और बहुत ही डीप इसके पीछे फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से अक्सर लोगों को ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा ना जो आपने कभी भी नहीं सुनी होगी। आपने महसूस तो किया होगा जिम में लेकिन कभी भी ध्यान से इसके बारे में, इसके पीछे की सच्चाई को आपने नहीं जाना होगा। तो आज मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्यों आप लोगों को जिम में इस तरह के बिहेवियर का सामना करना पड़ता है। बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ पर फॉलो कीजिए क्योंकि हमारा 1 मिनट फिटनेस वीडियो सीरीज चल रहा है जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वर्कआउट, बॉडी बिल्डिंग, जिम, फिटनेस सिर्फ एक्सरसाइजिंग और न्यूट्रिशन तक ही लिमिटेड नहीं होती। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा आपके जिम एटिकेट्स, जिम एथिक्स का भी है, यानी कि जिस जगह पे आप वर्कआउट करने जा रहे हैं वहाँ पे आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एज अ फॉलोअर आपको मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, दिल से समझते हैं मेरी बात को, तो इन चीज़ों को कभी भी नेगलेक्ट मत कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ आती है यहाँ पे क्लीनिंग द स्टेशन। गाइस, जब भी आप किसी भी जिम में जाएं, किसी भी वर्कआउट स्टेशन पे, चाहे वो बेंच प्रेस हो, चाहे वो कोई भी मशीन हो, कोई भी इक्विपमेंट हो, अगर आपने वो इस्तेमाल किया है तो उसे साफ ज़रूर करें। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ जिम के अंदर, जिस स्टेशन में वो वर्कआउट कर रहे होते हैं, बेंच प्रेस हो चाहे कोई भी मशीन हो, उसमें पूरा उनका स्वेट लगा होता है, पूरी बेंच गीली होती है, हाथों के निशान होते हैं, गंदगी, कहीं पे मिट्टी लगी होती है। तो गाइस, कभी भी ऐसा मत कीजिए, ये बहुत ही गंदा बिहेवियर है और जिसकी वजह से ना सिर्फ आपको प्रॉब्लम होगी इन फ्यूचर बल्कि आपके ओनर, आपके मैनेजमेंट जो है जिम की, आपके साथ जो वर्कआउट कर रहे हैं, उन सभी लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो हमेशा एक टॉवल रखिए अपने पास, एक नैपकिन रखिए कि वर्कआउट आपने इस स्टेशन में ख़त्म किया उसको साफ कर दीजिए। 1 मिनट लगता है, 1 मिनट से भी कम, 10 सेकेंड क्लीन, दैट्स इट। तो ये एटिकेट्स बहुत ही ज़रूरी हैं, इसी की वजह से लोग आपको जिम में पसंद नहीं करते। दूसरी चीज़ आती है इसमें फुटवेयर। गाइस, बहुत ध्यान दीजिए, कभी भी जिम के अंदर गंदे सॉक्स, स्मेली सॉक्स और स्मेली शूज़ या गंदे शूज़ पहन के मत जाइए। इससे क्या होता है कि आपकी सबसे पहले तो जो जिम के अंदर जो आपकी इमेज है ये बहुत ही ख़राब होती है। दूसरा, आपके जो जिम के ओनर है, मैनेजमेंट है, वो आपको कभी भी पसंद नहीं करेंगे। आपके आसपास जो वर्कआउट कर रहे हैं लोग आपको कभी भी पसंद नहीं करेंगे, राइट? तो समझिए, जिम के अंदर क्लीन सॉक्स पहन के जाइए और साथ ही साथ जो फुटवेयर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जूते जो लेके जा रहे हैं ना, वो जिम के लिए अलग जूते रखिए। जो घर से पहन के आ रहे हैं उस जूते को कभी भी जिम के अंदर मत ले जाइए, उसके अंदर गंदगी लगी हो सकती है, उसमें डस्ट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जिम के अंदर नहीं जानी चाहिए। एक बहुत ही क्लीन एनवायरनमेंट होता है जिम, जहाँ पे आप हेल्थ गिविंग प्लेस है, जहाँ पे आप हेल्थ लेने जा रहे हैं, हेल्थ बनाने जा रहे हैं, वहाँ पे गंदगी मत फैलाइए, राइट? तो ऑलवेज कैरी योर एक्स्ट्रा शूज़ जो आप सिर्फ जिम में ही इस्तेमाल करेंगे। तीसरा पॉइंट आता है लाउड नॉइजेस। गाइज, मैं सच बता रहा हूँ आपको, जिम के अंदर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने से, कम ऑन यह, ऐसा करने से आपको कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलने वाला, कोई ओलंपिया में आप नहीं पहुँच गए, ना ओलंपिक के किसी लिफ्ट में आपने बहुत हैवी वेट उठा लिया, राइट? कुछ नहीं होगा, इससे आपकी इमेज ख़राब होगी, इससे आसपास जो वर्कआउट कर रहे हैं उन लोगों को डिस्टर्बेंस होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी और बहुत ही ख़राब लगता है, बहुत ही एरोगेंट लगता है कि आप जानबूझ के चिल्ला रहे हैं हर लिफ्ट में। कोई ज़रूरत नहीं आपको, हाँ, ग्रंटिंग एक आवाज़ निकलती है जब आप हैवी लिफ्ट कर रहे होते हैं, इंटेंसिटी जब आप डाल रहे होते हैं, थोड़ी बहुत आवाज़ निकलती है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट जानबूझ के चिल्लाना कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे कोई इंटेंसिटी नहीं बढ़ती, कोई हैवी वेट मार के नहीं आते आप। और अगर आपको चिल्लाना ही है तो आप अपनी ही तरह का कोई जिम ढूंढ लीजिए, बहुत सारे ऐसे जिम हैं जहाँ पे बहुत लोग चिल्लाते हैं और इट्स ओके टू मेक लाउड नॉइजेस देयर, तो ऐसी जगह आप ढूंढ सकते हैं, बट एक कमर्शियल जिम में कभी भी ऐसा मत करिए। चौथी मिस्टेक तो इतनी डम और इतनी स्टूपिड मिस्टेक है ना, और ये मिस्टेक मैंने बड़े बड़े लोगों को करते हुए देखा है, बड़े बड़े चैंपियंस को करते हुए देखा है खुद के जिम में।
इतनी ज़ोर ज़ोर से प्लेट्स और डंबल्स फेंकते हैं जैसे कि गुस्सा निकाल रहे होंगे वो प्लेट से, और इससे आसपास जो वर्कआउट कर रहे हैं उनको कितना डिस्टर्बेंस होता है, उनके फोकस को कितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है वर्कआउट करने में, कितनी इरिटेशन होती है कि आप क्यों फेंक रहे हो वेट, क्यों प्लेट को ज़ोर से ज़मीन में पटक रहे हो, क्यों डंबल को फेंक रहे हो, आप ध्यान से भी तो रख सकते हो, प्यार से भी तो रख सकते हो। तो ये बहुत ही गंदी आदत है और इतनी स्टूपिड, इतनी डम चीज़ है ये करना। इससे कोई आपकी बढ़ाई नहीं हो रही, कोई आप बड़े बड़े बॉडी बिल्डर या बड़े यू नो स्ट्रॉन्ग मैन साबित नहीं हो रहे हो, इससे सिर्फ आपकी इमेज कम ही हो रही है। तो ध्यान दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। कभी भी प्लेट्स नहीं फेंकने हैं, कभी भी डंबल को नहीं फेंकना है, इससे आपका फ्लोर खराब होगा, इससे आपकी इमेज खराब होगी। और जिम के अंदर हम रिस्पेक्ट गेन करने जाते हैं, इक्विपमेंट्स को डैमेज करने या फिर किसी को डराने या धमकाने के लिए नहीं। वहाँ पे हम अपना एग्जर्शन निकालने जाते हैं, अपनी दिन भर की थकान, अपना गुस्सा निकालने जाते हैं, किसी को मारने पीटने नहीं जाते। ध्यान रखिए, पांचवी मिस्टेक आती है यहाँ पे कि आप बिना पूछे किसी भी बेंच पे, किसी भी स्टेशन पे जंप कर जाते हैं, किसी भी स्टेशन में वर्कआउट करना चालू कर देते हैं। अरे भैया, पूछिए आसपास के लोगों से कि कोई इसे इस्तेमाल कर रहा है क्या अपना वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले, वेट्स निकालने से पहले, क्योंकि कोई भी कर रहा हो सकता है, पानी लेने गया हो सकता है, कहीं पे इधर उधर बात कर रहा हो सकता है। ऑलवेज आस्क पीपल कि क्या वो स्टेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कॉमन एटिकेट्स हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करता है और ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब अक्सर इन चीज़ों की वजह से जिम में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, मैंने होते हुए देखी हैं। और रॉयड रेज की वजह से यू नो वैसे ही लोग उतने गुस्साए हुए होते हैं, और आप ऐसा कुछ करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे झगड़ा होना बहुत ही आम है। सो इसमें आपको मैं सजेशन ये दूंगा कि कीप काम एंड स्टे नेचुरल, राइट, रॉयड रेज में नहीं जाना है। छठी और आखिरी मिस्टेक आती है यहाँ पे स्टेयर करना। कभी भी जिम के अंदर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी को भी स्टेयर मत कीजिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो एक ऑकवर्ड पोजीशन है जिसमें आप वर्कआउट कर रहे हैं और आप उनको स्टेयर कर रहे हैं, तो ये बहुत ही डिस्टर्बिंग और बहुत ही क्रीपी लगता है। मतलब कभी भी मत करिए, इससे आपकी ही इमेज कम होगी, आपको ही जिम में प्रॉब्लम होगी इसकी वजह से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत ही गलत इमेज आपकी बनती है जिम के अंदर और इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। सो गाइज, अगर आप लोग ये मिस्टेक्स कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको करेक्ट कीजिए, क्योंकि बहुत ही सीरियस बात है ये, और इससे आपके जिम मेंबर्स को, जिम ओनर्स को, मैनेजमेंट को बहुत ही प्रॉब्लम हो रही हो सकती है, और इसकी वजह से वो आपका जिम मेंबरशिप भी कैंसिल कर सकते हैं, जो अच्छी चीज़ नहीं है किसी भी लाइफ में होना, राइट। तो गाइज, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप बटन को जरूर क्लिक कीजिए, एंड टेक केयर, आई विल सी यू सून, बाय बाय।